17 फिक्स है, वो रहेगा, वही रहेगा। बाबा ने भी अनाउंस किया है, मतलब बिहार के जो भक्त हैं वो तैयार रहें, पूरा तैयार रहें, वो एकदम तैयार हैं। लेकिन नौबतपुर में, नौबतपुर से नज़दीक है, नौबतपुर नहीं है, एम्स से 6 किलोमीटर या 8 किलोमीटर की दूरी पर है, एम्स के चौराहे से 6-8 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए चारों बगल से रास्ता, 3-4 रास्ता उस पर पहुँच रहा है, जैसे सरमेरा बेटा, उधर से आपको जानीपुर, इधर से बिचली रोड, और एक औरंगाबाद के रोड से भी आप जा सकते हैं। 3 लाख स्क्वायर फीट का हम लोग का पंडाल, कथा पंडाल बन रहा है, उसके अलावे लगभग 80 हज़ार स्क्वायर फीट का हम लोग का लोगों को रहने के लिए 6 हम लोग पंडाल अति डोम बना रहे हैं, जिसमें रात्रि विश्राम करेंगे, और फिर खाने की व्यवस्था, जो लंगर प्रसाद की व्यवस्था, हनुमान जी का लंगर हम लोग वहाँ चलाएंगे, लंगर प्रसाद चलते रहेगा नवरात्र। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, बिहार आ रहे हैं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, और बागेश्वर धाम से चलकर आ रहे हैं, पटना में रहेंगे 13 से 17 मई, तारीख नोट कर लीजिए, हमने पहले भी आपको बताया है। हमारे साथ बागेश्वर बिहार अभियान के जो अध्यक्ष हैं, के शाश्वत जी हैं, और राजशेखर जी हैं, सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, पहले हम आपसे बात करते हैं। कार्यक्रम जो है वो तय है 13 से 17 मई, पूरी तैयारी है, कोई तकलीफ, 13 से 17 फिक्स है, वही रहेगा। बाबा ने भी अनाउंस किया है, मतलब बिहार के जो भक्त हैं वो तैयार रहें, पूरा तैयार रहें, वो एकदम तैयार हैं। लेकिन सुना है जगह बदल दिया है, जगह बदलने का कारण था कि सिर्फ मेट्रो के कारण से पूरा शहर डिस्टर्ब है, वन वे हो रखा है, और इतनी लाखों की जैसे रिपोर्ट है, 2 लाख से 3 लाख पर डे लोग आएंगे, तो और उसकी पार्किंग व्यवस्था, इस सब कारण से, मतलब पटना में अव्यवस्था न फैले इसलिए जगह बदली, इसी कारण से जगह, कुछ लोग तो इसको धार्मिक चीज से भी जोड़कर देख रहे हैं, जो आप उनका पता नहीं, हम लोग का उससे कोई मतलब नहीं, हम लोग सिर्फ अपना कार्यक्रम करना चाहते हैं, और जो वहाँ पर पार्किंग, खाना सब एक ही जगह हो जाएगा, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं फैलेगी, इसीलिए हम लोग उसको जगह बदल दी गई है। जगह बदल, कहाँ है वो? तरेत पाली मठ है, उसमें उसके 600 एकड़ जमीन उसके पास में है, सारी जमीन को एकदम एक साथ हम लोग, नौबतपुर में, नौबतपुर से नज़दीक है, नौबतपुर नहीं है, एम्स से 6 किलोमीटर या 8 किलोमीटर की दूरी पर है, एम्स के चौराहे से 6-8 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए चारों बगल से रास्ता, 3-4 रास्ता उस पर पहुँच रहा है, जैसे सरमेरा बेटा, उधर से आपको जानीपुर, इधर से बिचली रोड, और एक औरंगाबाद के रोड से भी आप जा सकते हैं, इसलिए वहाँ पर बहुत अच्छा व्यवस्था, तो बेहतर व्यवस्था वहाँ कर दी है, बहुत बेहतर, क्योंकि लोग जाएंगे तो बड़ी संख्या में लोग रहेंगे, तो गाड़ियाँ भी लगानी होंगी, बहुत पूरी हजारों गाड़ी वहाँ लग जाएगी, इसमें कोई तकलीफ नहीं, बाइक भी, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, एकदम फोर, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सब कुछ, भक्त जो जाएंगे उनकी पर्ची भी निकाली जाएगी? बाबा नहीं, पर्ची तो देखिए बाबा की निकलती है, बाबा का काम है ये, हम लोग का काम सिर्फ सुविधा पहुँचाना है, बाकी बाबा प्रसाद खाएंगे लोग बैठ के, वो सब व्यवस्था है, जो खाने के बैठने की बात है, इतना आदमी को बैठा के खाना मुश्किल है, मगर 40 काउंटर रहेंगे, उसमें जो कि आप लेते जाइए, प्रसाद मिलेगा, अनवरत प्रसाद। बागेश्वर बिहार अभियान के जो सचिव हैं राजशेखर जी, उनसे भी बात करते हैं। राजेश्वर जी, जिस तरीके से बागेश्वर बाबा आएंगे, बागेश्वर धाम से आएंगे, जगह बदल दी गई है, बहुत सारे लोग बहुत सारी बात कर रहे हैं, कोई इस तरह की बात नहीं है, एकमात्र कारण है जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया कि बहुत अत्यधिक भीड़ आने की सूचना है हमें, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल, बंगाल के निकटवर्ती हुए तमाम जितने राज्य और देश, सारे जगह से लोग हमें कॉल कर रहे हैं, और अगर गांधी मैदान हमें छोटा पड़ता हुआ नज़र आया तो हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट किया, तो जिलाधिकारी महोदय ने बहुत अच्छे से हमें भी सपोर्ट करने का वादा किया, इवन प्रशासन भी सपोर्ट करेगी पूरा, वो वहाँ पे उन्होंने बोला कि आपको जितना रिक्वायरमेंट है लिख के हमें दे दें, वहाँ पुलिस बल, दंडाधिकारी, पेयजल, शौचालय और पार्किंग है, तो ट्रैफिक पुलिस तक की व्यवस्था वहाँ लगेगी, ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था लगेगी ताकि गाड़ियों का परिचालन ठीक से हो सके। उसके अलावा जो हमारे गुरुदेव आचार्य, लाइटिंग की व्यवस्था रात के समय होगा, रात के समय वो हम लोग कर रहे हैं, उसके अलावा नौबतपुर जो नगर पंचायत है उनका भी सपोर्ट हमें मिलने वाला है, उनके तरफ, उनके पास जो भी उपलब्ध सुविधाएं, नागरिक सुविधाएं हैं वो हम लोग को दे रहे हैं, चूँकि वो स्थान भी नगर पंचायत में आता है। कैसा लग रहा है क्योंकि हनुमंत कथा का आयोजन करा रहे हैं आप लोग, तो भीड़ भी बहुत होगी, प्रसाद देना होगा सभी को, और जब दिन में हनुमंत कथा होगी तो लोग आके बैठेंगे भी, तो पर्याप्त व्यवस्था है? 3 लाख स्क्वायर फीट का हम लोग का पंडाल, कथा पंडाल बन रहा है, उसके अलावे लगभग 80 हज़ार स्क्वायर फीट का हम लोग का लोगों को रहने के लिए 6 हम लोग पंडाल अति डोम बना रहे हैं, जिसमें रात्रि विश्राम करेंगे, और फिर खाने की व्यवस्था, जो लंगर प्रसाद की व्यवस्था, हनुमान जी का लंगर हम लोग वहाँ चलाएंगे, लंगर प्रसाद चलते रहेगा नवरात्र, और उसके लिए 40 काउंटर हम लोग बनाएंगे, साथ ही कमी नहीं होगी ना अध्यक्ष जी? कभी नहीं, अन्नपूर्णा कभी नहीं, मैं खुद आऊँगा कभी, भंडार की अन्नपूर्णा भंडार ऐसा कभी कमने वाला
बिल्कुल आपका स्वागत है और आप आइए, हनुमान कथा का श्रवण कीजिए और अध्यात्म की दुनिया में आ जाइए और अपना उसका लाभ उठाइए। अंतिम सवाल है मेरा, जिस तरीके से आपने कहा नौबतपुर में आप कर रहे हैं प्रोग्राम और पटना से थोड़ी दूरी है, ठीक है, आपने कहा कि काफ़ी बड़ी जगह है, तो ऐसे में हर तरह की सुविधा तो आपका प्रशासन की ओर से मिल रही है, आप चाहते हैं कि लोग प्रेम भाव से आए, पर्ची निकलेगी तो वहाँ पर बैठे, सब व्यवस्था बिल्कुल है? 15 तारीख को बाबा का, गुरुदेव का दिव्य दरबार जो उनका होता है, जिसमें वो पर्ची जो निकालते हैं खुद किसी को नाम लेके बुला के निकालते हैं रैंडमली जो 12 से 3 15 तारीख को है, और वो दिव्य दरबार लगेगा भी, पर्ची निकलेगा और जो जनरल वो सामूहिक पर्ची भी लगाने की विधि बताएंगे, जो धाम पे जाके या अपने घर से भी, बाबा तो कह रहे हैं कि मेरे पास मत आओ, सिर्फ बागेश्वर बालाजी से जुड़ जाओ, तुम्हारा काम ना हो तो फिर हमें बताना। देखिए, भक्तों को बुला रहे हैं सोई हुई उनकी भक्ति को, उनके विश्वास को जगाने के लिए। बागेश्वर बिहार अभियान की शुरुआत हो रही है 13 से 17 मई, और जगह बदल दिया गया है नौबतपुर के पास, क्या जगह बताया? तरेत पाली मठ के प्रांगण में होगा, और जगह आपने सुन लिया है, जगह बदल दी गई है, लेकिन हाँ प्रसाद की व्यवस्था है, लंगर की व्यवस्था है, और बाबा का दिव्य दरबार भी लगेगा, लोगों से भी मुलाकात होगी, बातें होंगी। तो बागेश्वर बाबा पटना आ रहे हैं ये तय है, जगह थोड़ी बदल दी गई है, क्यों बदल दी गई ये भी आपने सुना है, कई सारे लोग कई तरह की बातें करते हैं, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं, उनकी बातों पर बिल्कुल विश्वास न करें, और बागेश्वर धाम से चलकर खुद आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जब पटना पहुँचेंगे माहौल कैसा होगा हम आपको जरूर दिखाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।